यूपी चुनाव में सत्ता तक पहुंचने के लिए इन दिनों राजनीतिक दलों के मुखिया ताबड़तोड़ दौड़े कर रहे हैं। हर पार्टी किसी न किसी रथ पर सवार है, बस जरूरत वोटरों के आशीर्वाद की है। यूपी में आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आज उन्नाव में शिवपाल सिंह यादव और राजा भैया की भी मुलाकात हो गई है। दरअसल दूसरे चरण की जनसेवा संकल्प यात्रा के दौरान राजा भैया और शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि राजा भैया का काफिला गुजर रहा था और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के तमाम कार्यकर्ता भी पीछे दौड़कर फर्राटे भर रहे थे, तो अचानक शिवपाल सिंह यादव की एक जनसभा दिखी और शिवपाल सिंह यादव का काफिला, तो अचानक राजा भैया स्वयं रुककर शिवपाल सिंह यादव से बातचीत की और यह बातचीत 10 मिनट तक चली। 10 मिनट में हुए ये बातचीत का अब तस्वीरें जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों से दो पार्टी के सियासी गठबंधन के भी संकेत मिलने लगे। राजा भैया ने काफिला रोककर शिवपाल से हाथ मिलाया और इस दौरान प्रशंसकों ने जिंदाबाद के भी नारे लगाए। शिवपाल समर्थकों ने राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगाए तो राजा भैया ने शिवपाल यादव से पारिवारिक संबंध की बात कही। इससे पहले बुधवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आवास पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण भी पहुंचे थे। इनके बीच करीब एक घंटे तक घंटे भर सियासी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अभी गठबंधन को लेकर तस्वीरें किसी से साफ नहीं हैं। माना जा रहा है कि राजा भैया स्वयं एक तरीके से शिवपाल सिंह यादव को देखकर काफिला रोके हैं और उनसे बातचीत की है। राजा भैया आपको बता दें कि दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है उनके जनसेवा संकल्प यात्रा की और द्वितीय चरण में कार्यक्रम के दौरान लखनऊ से लेकर के झांसी तक जा रहे हैं। लखनऊ, उन्नाव और दर्जनों जगहों पर स्वागत का कार्यक्रम भी रखा गया है। कानपुर में भी जोरदार स्वागत हुआ है राजा भैया का। इसी कड़ी में वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया स्वयं शिवपाल सिंह यादव को देखकर उनके काफिले पे रुके। हालांकि आपको बता दें 22 विधानसभा चुनाव के गठबंधन को लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजा भैया ने गठबंधन को लेकर बड़ी बातें कही थी जब वो अयोध्या दौरे पर थे, तभी उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल किसी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। जैसा किसी पार्टी से बातचीत होगी तो फिर इसके बारे में क्लियर किया जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो राजा भैया की जो विचारधारा है वो भाजपा से ज़्यादा मिलती जुलती है। ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव के साथ असदुद्दीन ओवैसी और जिस तरीके से राजभर से लेकर रावण तक सब एक मंच पे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस मंच पर राजा भैया अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इसलिए माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव से गठबंधन, इस जो बड़े छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन है, उसमें आना एक तरीके से नामुमकिन है। हालांकि शिष्टाचार मुलाकात जरूर हो चुकी है। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव